हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। मैं अभी जो आपको व्यू दिखा रही हूँ वो दरअसल मेरे किचन के विंडो से आ रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। लगभग टाइम हो रहा है शाम के 5 और इतनी तेज़ बारिश हुई तो सोचा कैप्चर तो करना बनता है। और कैमरा में इनफैक्ट गाइस नहीं दिख रहा होगा, चलिए बेडरूम से दिखाती हूँ। गाइस ये मेरे बेडरूम के विंडो का व्यू है। जो नारियल का पेड़ है ना, जैसे भीग जाता है ना तो इतना ग्रीन हो जाता है। और यहाँ आपको बारिश कम दिखेगी, मैं आपको बैल्कनी से दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेड़ की वजह से उतना समझ में नहीं आएगा, नहीं तो नदियाँ बह रही थी। हस्बैंड पेशेंट भी नहीं देख पाए मेरे, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, घर से निकल ही नहीं पाए। अब जब लगभग 6 बजने वाले हैं तब जाके वो जाएंगे पेशेंट देखने, नहीं तो अभी तो 5:30 हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जन्नाटेदार एकदम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अ फ्रेंड हनी। गाइस आज आपको मेरे फेस के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा है क्या? आपको 5 सेकंड का टाइम ले रही, जल्दी जल्दी बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है। हो गए 5 सेकंड, बताया नहीं आप लोगों ने, मैं बता देती हूँ। मैंने अपना स्पेक्स चेंज कर दिया, ये देखिए इन चश्मों में हम कैसे लग रही हैं, थोड़े बुजुर्ग से तो नहीं लग रहे, क्योंकि ना कुछ ऐसा वाला शेड ना थोड़ा उन लोग का देखा है मैंने, थोड़ा बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना उनका थोड़ा ऐसा रहता है, बट मुझे ये अच्छा लगा था इससे मैंने इसको चूज किया। तो कैसा लग रहा है जरा मुझे बताना मेरे फेस पे कमेंट करके, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मुझे तो वहां देखा था तो अच्छा लग रहा था, अभी बतानी कैसा लग रहा है। और गाइज आज मैंने ये नहीं डाला है, अब से हम ये नहीं डाला करेंगे, क्योंकि मेरे सारे बाल झड़ रहे हैं इस जगह से, मुझे लग रहा है सिंदूर की वजह से झड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है उसमें कोई केमिकल वगैरह होता है ना, तो ये इसकी वजह से। मैं बस कभी कभी लगाया करूंगी, ओकेजनली, नहीं तो मैं नहीं लगाया करूंगी, या लगा भी लिया करेंगे अच्छा भी तो नहीं लगता है। अभी फिलहाल तो मैंने खैर नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को याद भी नहीं था और कुछ थोड़ा बहुत मेरा मन भी नहीं था अभी फिलहाल में। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है लगभग 6 बज रहे हैं और यहाँ इतना बुरा वाला मौसम हुआ। मैंने जो अभी आपको जो बारिश के क्लिप्स दिखाए थे ना, वो दरअसल 5 बजे के हैं, मतलब इतना तेज बारिश हुई है, 4:30 से 5 के बीच में इतनी बुरी वाली बारिश हुई, तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा। कल भी बहुत तेज बारिश हुई थी और आज भी बहुत तेज बारिश हुई है, तो कल तो मैंने खैर व्लॉग ही नहीं शूट करा है, तो आज मैंने किया तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया और मैंने पहले दिखा दिया आपको। और गाइज काफी दिनों से आप लोगों से मैंने इस तरीके से बात भी नहीं की थी, लाइव पे तो हम बात कर लेते बट पर्सनली बात नहीं की थी। तो गाइज उस दिन हम लोग गए थे अपनी, मतलब मैं गई थी अपनी विद्या दी के घर पे वो गणेश चतुर्थी के लिए, तो गाइज उन्होंने मुझे और मतलब मेरी मम्मी वगैरह सब गए थे ना, क्योंकि तो मम्मी मुझे दोनों को उन्होंने मुझे ये दिए, मतलब हम लोगों को ये दिए, हम जब भी उनके घर पे गणेश चतुर्थी पे जाते हैं ना तो वो एकदम शॉक कर देती है, इतना अच्छा गिफ्ट उन्होंने दिया है। ये देखिए गाइस, आपको अगर दिखाई दे रहा हो, मैंने बहुत पास से दिखा दिया वैसे तो, क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है थोड़ा, ये देखिए पूरा स्टोन लगे हुए हैं और गाइस इतने अच्छे लग रहे हैं ये। ओ मुझे लगा टूट गया, तो दरअसल उनका झूला निकल गया, मैंने कुछ ज्यादा ही तेज झुला दिया भगवान जी को, उससे वो निकल गया था उनके यहाँ से ये। तो देखिए गाइस ये कैसा लग रहा है जरा मुझे कमेंट के थ्रू बताना, मुझे तो इतने ज्यादा क्यूट लगे कि हमने दीदी को बोला, मैंने कहा यार गणेश जी जो आपने मेरे को दिए बहुत ही ज्यादा निहायत ही क्यूट है। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी गणेश चतुर्थी सब लोग अभी मना ही रहे हैं, क्योंकि गणेश जी अभी हैं घर पे सबके, अभी उनको विसर्जन अभी उनका नहीं हुआ है, विसर्जन होगा लगभग वही 8-9 दिन के बाद। और ये इस तरीके से देखिए गाइस, इतना सेफ्टी से बिल्कुल रखे हुए थे इसके अंदर, इस तरीके से पैक थे बिल्कुल, कि बिल्कुल भी डैमेज ना हो थोड़ा सा भी। तो ये मम्मी को और मुझे दोनों को दिए थे उन्होंने, विनी को नहीं दिए क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना इसलिए। और गाइस वो अभी थोड़े दिन पहले सिंगापुर गई थी दीदी, जब भी सिंगापुर, इंग्लैंड, मलेशिया, मॉरिशस, जहां भी वो जाती हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ वहां से मेरे मिनी के लिए और मम्मी वगैरह सबके लिए चीजें लेके आती हैं एज अ गिफ्ट के तौर पे। तो गाइज देखिए इतना प्यारा सा मेरे लिए क्लच दिया है उन्होंने, मुझे इतना छोटा क्लच चाहिए भी था, मेरे पास था भी नहीं, और दीदी ने मेरी सुन ली, उन्होंने फटाफट से ले लिया मेरे लिए,
इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। खैर तो अभी वो थोड़े दिनों पहले सिंगापुर गई थी तो इस पर कुछ ऐसा तो नहीं लिखा। गाइस जब भी वो आउट ऑफ कंट्री कभी आउट ऑफ इंडिया कभी भी जाती हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी कहीं भी जाती हैं, जैसे जयपुर वगैरह जाती हैं कभी, तो वहां से वो जो बहुत सारे जैसे नहीं इस तरह के क्लचेस होते हैं, बहुत सारा वर्क हुआ होता है, दुपट्टे होते हैं, तो इस तरह की चीजें लाती हैं मेरे मिनी और मम्मी वगैरह के लिए। तो मिनी के लिए शायद मेरे ख्याल से पर्स था, शायद छोटा सा पर्स था, और मेरे लिए छोटा सा क्लच लाई है दीदी। बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा मुझे। थैंक्स दी, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और गाइज मेरे लिए एक टॉप लाइन थी, मिनी के लिए भी लाइन थी, और मिनी वाला तो मैंने शायद नहीं देखा है, फिर अपना भी दिखा सकती है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ शाइनी वर्क है, ये वाला, इस वर्क को कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। गाइज मेरी इस समय ना बुद्धि काम नहीं कर रही है, आजकल मैंने अपना बहुत ज्यादा ही बिजी किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने टिकटॉक जब से बना लिया अकाउंट तब से उसका वीडियो का भी मुझे रहता है, तो मैं आजकल उसके वीडियोस भी शूट करती हूँ। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शूट खत्म कराया भी टिकटॉक का, और फिर हमने कहा अपना ब्लॉग शूट कर लेते क्योंकि ब्लॉग मैंने कल डाला नहीं था। तो इस गाइस इसका इस वर्क को क्या कहते हैं आपको याद है किसी को तो जरा मुझे लिख देना, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा इसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसका लुक देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। दीदी को मेरी चॉइस पता है कि हनी को कैसी चीजें पसंद आएंगी। मिनी का भी मैंने पता नहीं मिनी का क्या ब्लू था, लाइट ब्लू था, कौन सा कलर था, पर्पल था। और गाइज मैं दरअसल पी रही थी अपनी कोल्ड कॉफी, जो कि बातों बातों में मैं गाइज हम ये कह रहे थे गाइज आज हमने कोल्ड कॉफी का ना पूरा एकदम इस तरीके से मतलब इसको मैंने डाला है इसके अंदर, जैसे कि हमने बाहर से लाया, जबकि ऐसा नहीं है, हमने घर पे बनाकर इसमें फिल करके पी रहे हैं, तभी तो असली मजे आते हैं। इसमें आज मैंने आइसक्रीम नहीं डाली, आइसक्रीम डालने से थोड़ा हल्का सा थोड़ा थिक हो जाता है और टेस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, बट मुझे लगा आजकल मुझे बहुत ठंड लगती है क्योंकि थोड़ा बारिश वाला मौसम चल रहा है बैंगलोर में, तो मैंने कहा ऐसा ना हो मुझे कहीं मेरे को मेरा कहीं गला वाला खराब हो जाए, क्योंकि आजकल वैसे भी टिकटॉक पे हम डायलॉग वाला जो हम लिपसिंग नहीं कर रहे, भी हाल फिलहाल में लिपसिंग वाले वीडियोस नहीं शूट करती हूँ, डायलॉग वाले ही कर रही हूँ, तो मेरे खुद के डायलॉग मेरे फटे हुए बांस जैसी अगर आवाज़ हो गई मेरी तो उसमें कैसे लगेंगे, इसलिए हम अभी रिस्क नहीं ले सकते। तो बस जैसा नॉर्मल थोड़ा चिल्ड दूध था वैसा ही यूज़ किया मैंने। टेस्ट तो अच्छा है। और गाइस आप लोग की चाय वाय हो गई क्योंकि टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बजे का, चाय का ही टाइम चल रहा है, चाय या कॉफ़ी जो भी, पी लिया कि नहीं पी लिया। गाइस मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि मेरे गन्नू जी कैसे लगे आप लोगों को, बेहद क्यूट, बेहद बेहद क्यूट। थैंक्स दी, ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। यार मैं इतना फेक तरीके से क्यों बात कर रही हूं, मेरा इस तरीके से बात करने का तरीका ही नहीं है फिर भी। और गाइज ये मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं मुझे जरा कमेंट के थ्रू ये भी बता देना। और गाइज आप लोगों के हालचाल कैसे हैं, हम तो सोचते हैं आप लोगों से बात बात कर लिया करें, पर आजकल टाइम की बहुत कमी हो गई है, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा कि आप लोगों से बात करूं, तो इसी चक्कर में मैं लाइव आती हूँ गाइज, सो दैट क्या है ना मेरी आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, तो मैं एटलीस्ट लाइव में आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मेरे दिल की जो भड़ास है वो निकाल लेती हूँ। बहुत कुछ हमने दबा लिया है, बहुत कुछ दबा के बैठे हुए हम। गाइस आज मेरा चेहरा आपको अजीब लगेगा क्योंकि सिंदूर नहीं डाला मैंने, एक्चुअल में मैं टिकटॉक वाली वीडियो शूट करती हूँ ना तो उसमें मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, अभी मैं वही शूट करके आई तो मैं लगाना भूल गई, और फिर मेरे बाल भी कुछ झड़ रहे हैं यहाँ से, मुझे लग रहा है कि वो शायद सिंदूर की केमिकल की वजह से हो रहा है क्या, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताना कि बिना सिंदूर के मेरा फेस लगता कैसा है, क्योंकि देखो जैसा भी लगता हो मुझे बता जरूर देना, जिससे क्या है ना वो गलती हम दोबारा ना करें। और गाइज मैं लाइव लगभग ऑल्टरनेट डे इसीलिए आती हूँ, आप लोगों से बातें हो जाती है, मेरा थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, अपने दिल की बात कर लेते हैं, थोड़ा आप लोग भी बात कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। नहीं तो मैंने जैसा आपको बताया कि अभी थोड़े दिनों मैंने बहुत क्या बोले बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन झेली है मैंने, पर अभी मेरे को फिर भी ठीक ही लगता है यार, आप लोग का जितने भी मतलब लोग
मुझे हाल फिलहाल वैसे ज्यादा लोग तो नहीं, पर मेरे से कितने लाइव में तो मुश्किल से 17-18 लोग मुझसे बात करते हैं, और मेरे वीडियोस लगभग 100-150 लोग देखते हैं, 100-150 या 200 तक देखते हैं, उतना ही बहुत है मेरे लिए। क्योंकि अब वही है ना, कुछ कर नहीं सकते ना तुम। हाँ बट गाइज, मेरे टिकटॉक वाला जो वीडियोस है ना, वो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आप लोग को दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और मेरे कमेंट बॉक्स में भी दूंगी, तो आप लोग मेरा, क्योंकि गाइज मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने देखो अपने डांस के वीडियोस अपने इस चैनल पे डाले हैं, डांस के मैंने इनफैक्ट कम ही डाले हैं, क्योंकि इस यहाँ पे हम सॉन्ग वगैरह यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप सॉन्ग नहीं यूज कर रहे तो डांस डाल के फायदा क्या है? इंसान को पता कैसे चलेगा कि सामने वाला इंसान रिदम में डांस कर रहा है या आउट ऑफ रिदम है? तो इसलिए मैंने मुश्किल से 2 या 3 ही वीडियोस डाले हैं डांस के, ढोलक वगैरह 1-2 डाल दिए थे, और थोड़े दिनों पहले मैंने बहुत बड़ा रिस्क भी ले लिया था इस चक्कर में, मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, मैंने डाल दिया, लेकिन पर वो मुश्किल से 3 मिनट का ही वीडियो, तो उसमें इतना वही है कि डाल नहीं पाते यूट्यूब पे, तो फिर भी मैंने जितना कोशिश किया उतना डाला, डांस वाले वीडियोस, पेंटिंग डालती हूँ जो चीज मेरे को आती है, मतलब गाइस मेरे को आता तो और भी बहुत कुछ है, बट वो मैं डाल नहीं सकती, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। मेरे को मेहंदी वगैरह सब लगाना अच्छे से आता है बहुत, क्योंकि मेरी पेंटिंग अच्छी है तो मेरा हाथ इन चीजों में भी थोड़ा है, आराम से मैं बना लेती हूँ मेहंदी वगैरह, वो मैं कभी ना कभी तो दिखा दूंगी आप लोगों को। तो मैंने पेंटिंग डाले, डांस डाला अपना, कुकिंग डाला, ट्रैवलिंग डाला, जो मेरे को अच्छा लगता है, मुझे आता है करना, वो मैंने सब डाला। बस एक एक्टिंग का कीड़ा था मेरे अंदर जो मैंने अभी तक इस पे डाल नहीं पाया, क्योंकि यूट्यूब पे आप एक्टिंग थोड़ा ना करोगे, इस पे तो आपको नेचुरल रहना है। तो इसके लिए हमने टिकटॉक पे अकाउंट बना लिया कि वो जो एक्टिंग वाला कीड़ा ना वो वहां निकाल लेंगे। तो गाइज आप लोग देखना जरूर, और गाइज आप लोग को ये लग रहा होगा ये अच्छी बनी कि नहीं बनी है, क्योंकि हल्की सी आपको लग रही होगी वाटरी वाटरी सी, वाटरी तो खैर नहीं है, इसमें मैंने आइसक्रीम नहीं डाली इसलिए वो ज्यादा वैसे ही थोड़ी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी थिक थिक नहीं लग रही है। और नहीं तो गाइज जो बिल्कुल रॉ मिल्क होता है ना, कच्चा दूध जिसे गर्म नहीं करते, वैसे मिल्क से बनाया है, फुल क्रीम वाला जो होता है ना वो अपने आप में ही बहुत वैसा फील करता है, क्रीमी क्रीमी सा, ऊपर से इसमें आइसक्रीम ऐड कर दो और ज्यादा फैट, निहायती फैट, फिर वो सारा फैट हमारे अंदर, फिर हम मोटे होके कहाँ जाएंगे। चलिए गाइज आप लोगों से हम बस ऐसे थोड़ी बहुत बात करने आए थे। तो गाइज आप लोग टिकटॉक भी देखिए जरूर मेरा, क्योंकि हम एक्टिंग कैसे करते हैं ये भी तो जानना है मुझे आप लोगों से, और ये मुझे आप ही लोग बता पाएंगे। और गाइज मुझे लाइव भी जाना है, लगभग 10:30 तक लाइव जाऊंगी मैं, तो आइए मुझसे बातें करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो मैं अभी शूट करके तुरंत के तुरंत एडिट करके डाल दूंगी, क्योंकि ज्यादा छोटा ही वीडियो, बड़ा नहीं है, मैं छोटा ही वीडियो रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या है ना फिर इंसान बोर नहीं होता सामने वाला, नहीं तो इंसान बोर भी तो हो जाता होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 30-30 मिनट के व्लॉग डालते हैं और लोग पूरा पूरा देखते भी हैं उनका व्लॉग, पता नहीं समझ में नहीं आता, मतलब इतने पेशेंस भी तो होने चाहिए। तो मैं इसलिए छोटा रखती हूँ कि मेरे तो वहाँ पहले ही व्यूज कम आते हैं, ऊपर से हम सबके पेशेंस भी टेस्ट करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो गाइस अब हम आप लोगों से विदा ले रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे कल, देखते हैं। गाइस मेरे को कोल्ड कॉफी अमृत लगती है बिल्कुल, बस मेरे मन की बननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बना रहे हैं चीनी ज्यादा हो गई या कॉफी कम हो जाती है, तो कॉफी ऐड कर लो ऊपर से, बट चीनी ज्यादा हो गई तो फिर दूध ऐड करोगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फिर इतनी कॉफी कौन पिएगा? मेरे घर में सिर्फ कॉफी मैं ही पीती हूँ, वो भी कोल्ड कॉफी तो मैं ही पीती हूँ, हस्बैंड नहीं पीते, खासकर से इतने टाइम अगर हस्बैंड होते भी ना तो भी नहीं पीते, क्योंकि वो उनको 6 के बाद कुछ भी चाय कॉफी नहीं जमता है, क्योंकि फिर उनको रात में नींद नहीं आती बहुत लेट तक, तो अभी वो होते भी तो, और मैं हूँ रात का उल्लू नहीं होता, मेरे को रातों को जगने की आदत है बहुत ज्यादा, तो हम अभी पी भी लेंगे तो हमें तो जगना ही है, नहीं पिएंगे तो भी जगना ही है। वो एक्चुअली पूरा दिनचर्या ऐसा ऐसा हो गया मेरा, क्या कर सकते हैं, रात में एडिटिंग करते हैं ना तो लेट हो जाता सोते सोते, फिर वही लेट का पूरा हिसाब बन गया, फिर दिन में रेस्ट करने की आदत पड़ गई है मेरे को, बेटे को भेजने के बाद सब काम निपटने के बाद नहा के सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर अपना लंच वंच देखती हूँ, इस तरीके से चल रही है लाइफ। देखते हैं कब तक ठहराव आएगा लाइफ में, अभी तो लाइफ में बड़ा एकदम यूं हो रहा, अर्थ को आ गया है बिल्कुल लाइफ में, कब इस लाइफ में ठहराव आएगा देखते हैं। चलिए गाइस आप लोगों से मिलते हैं कल, हम इसका मजा लेते हैं, आप लोग अपना चाय नाश्ते का मजा लीजिए, और मिलेंगे कल आप लोगों से व्लॉग में, लेकिन हाँ लाइव में अभी आप थोड़ी देर बाद ही मिलेंगे मुझसे, कहीं जाइएगा मत बिल्कुल,
चलिए फिर, तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाजत, सायोनारा।